दोस्तों जरा सोचिए कि उस स्टूडेंट्स पर क्या बीतेगी जिसका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए। उसने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की हो, लेकिन उसने कॉपी में कुछ माइनर सी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से उसका फर्स्ट डिवीजन रह गया हो। दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है। उसे अगर मार्क्स काटने का मौका मिलेगा तो वो आपके मार्क्स जरूर काटेगा, भले ही आपके फर्स्ट डिवीजन ही क्यों न रह जाए। तो आप सभी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले, तो आपको दोस्तों कुछ बातें पता होनी चाहिए कॉपी लिखते वक्त कि हमें कॉपी में कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे एग्जामिनर हमारे मार्क्स ना काटे। क्योंकि देखिए, जो वहां पे कॉपी चेक करता है दोस्तों, वो कुछ भी नहीं आपके बारे में जानता है दोस्तों, कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हो। वहां तो जो उसको कॉपी में दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स काटेगा दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम में हमारा मेन काम होना चाहिए अपनी कॉपी को सही ढंग से लिखना, अपनी कॉपी को इस तरह से प्रेजेंट करना ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाए हमारे अच्छे मार्क्स देने पर। देखिए, आपने साल भर कितनी मेहनत की ये मायने नहीं रखता दोस्तों, वो 3 घंटे जो आपके एग्जाम के होते हैं दोस्तों, उसमें आप किस तरह से अपनी कॉपी को लिख रहे हो, किस तरह से अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हो, वही दोस्तों डिसाइड करेगा कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको अपनी कॉपी लिखते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कॉपी लिखते वक्त, जब उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं गलत आंसर लिखूंगा तो एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप आंसर छोड़ करके आ जाओगे तो एग्जामिनर जरूर आपके मार्क्स काटेगा, एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपके मार्क्स काटने पर। लेकिन अगर उसके बजाय आप उसमें कुछ लिख देते हो, थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें आप गलत ही करके चले आओ, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो जरूर आपको उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। जहां आपको उसमें 0 मिलने वाले थे, क्या पता उसमें 1, 2, 3 मार्क्स मिल जाए अगर आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी हो जाए तो। इसीलिए दोस्तों एक गलती कभी मत करना, जब भी कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसे छोड़ना मत, कुछ से कुछ उसमें लिख के आना, जो आपको आ रहा है उसमें वही आप लिख करके चले आना। कभी भी किसी क्वेश्चन को मत छोड़ना एग्जाम में दोस्तों। दूसरी चीज है ओवर एक्सप्लेन करना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कॉपी लिखते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा आंसर लिखने लग जाते हैं। नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। जितने वर्ड्स में आंसर बोला गया है उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। वो कहते हैं ना कि कम शब्दों में आपको समझाना है एग्जामिनर को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस आंसर में, और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर हाईलाइट कीजिए। इससे एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपसे इंप्रेस होता है दोस्तों। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो ना तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। और हम भी जानते हैं कि एक आंसर में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते होंगे, 5, 6, 7, 8 इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते होंगे। तो आप उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलो, इससे एग्जामिनर की आपके आंसर पे नजर जाएगी दोस्तों, एग्जामिनर की आपकी कॉपी चुभेगी एग्जामिनर की नजर में। तो इस तरह से आपको कॉपी लिखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर हाईलाइट करते हुए चले। तीसरी चीज है डोंट कट क्रॉस इन योर कॉपी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी कॉपी में कट क्रॉस नहीं करना है, कट क्रॉस से बचना है। जो एग्जामिनर को सबसे नापसंद चीज है दोस्तों वो है कट क्रॉस, क्योंकि देखिए कट क्रॉस वाली कॉपी से एग्जामिनर इरिटेट होता है, और अगर एग्जामिनर इरिटेट होगा आपकी कॉपी से तो वह आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा दोस्तों। इसीलिए कोशिश यही करना कि आपको जितना आपकी कॉपी फ्रेश लिखी रहेगी, जितनी आपकी कॉपी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखी होगी, उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप कट क्रॉस नहीं करोगे तो आपकी कॉपी फ्रेश दिखेगी ही दिखेगी, और अगर आपकी कॉपी फ्रेश दिखेगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि अपने आंसर को हो सके तो आप पॉइंट वाइज में ज्यादातर लिखने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जब हम पॉइंट वाइज में आंसर को लिखते हैं तो हमारी कॉपी एकदम फ्रेश दिखती है, हमारी कॉपी एकदम अच्छी दिखती है दोस्तों। और वहीं जब हम उसके विपरीत जब आप पैराग्राफ वाइज में आंसर को लिखते हैं तो वो एकदम खिचड़ी हो जाती है दोस्तों, वो एग्जामिनर को पढ़ने में भी समझ में नहीं आती दोस्तों, वो एग्जामिनर को सही नहीं लगता है दोस्तों। इसीलिए आप जितना हो सके दोस्तों आप आंसर को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करें। पॉइंट वाइज में आंसर एकदम फ्रेश लगता है और वो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है दोस्तों, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो आपको आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना है।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको अपनी कॉपी लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो अपनी कॉपी लिखते वक्त, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इन्हीं गलतियों की वजह से मार्क्स कटते हैं, कट क्रॉस अपनी कॉपी में, ओवर एक्सप्लेन कर देना, इन सब चीजों से एग्जामिनर चिढ़ता है दोस्तों। तो ये सब गलती अगर आप नहीं करोगे तो आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।